तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, ये लीकेज कर रहा है, स्पाउट कंटिन्यूस इसमें से लीकेज है और ये बिल्कुल नया काम है। तो चलिए इसमें क्या प्रॉब्लम है हम आपको खोल के बताएंगे। तो दोस्तों हम पहले डायवर्टर को खोल लेंगे, ये लंकी की मदद से हम ये डायवर्टर का नॉब अलग कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहे ताकि आपकी पूरी 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 आपको मालूम हो सके। दोस्तों ये वीडियोस सिर्फ प्लम्बर भाइयों के लिए नहीं रहता, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग से शुरू किया है ताकि अगर कोई घर मालिक भी इसे ऐसे प्रॉब्लम को घर पर ही करना चाहे तो कर सकता है। तो इसलिए मैंने इसको पहले से बना रहा हूँ। इस तरह से हम इसको खींच लेंगे प्लेट को। अभी खींच कर हमने निकाल लिया है। अभी भी देखिए आप, लीकेज शुरू है इसका। और ये इसका जो स्लीव है, सिलेंडरिकल, इसका हम खींच कर घुमा घुमा के निकाल देंगे, आसानी से निकल जाएगा। अभी देखिए दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है। तो ये जो चेक नट है सर दोस्तों, इसको हम टाइट करके देखेंगे। अगर ये टाइट करने के बाद लीकेज बंद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको फिर पूरा रिपेयर करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये टाइट करने में ही बंद हो जाएगा। तो चलिए हम किसी पानी की मदद से इसको टाइट कर लेते हैं। ये मैंने एक मिट्टू पकड़ या मिट्टू पानी की मदद से इसको मैं टाइट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप ध्यान रखिए कि स्पाउट की तरफ से पानी थोड़ा हल्का हो गया है। टाइट करते जा रहा हूँ धीरे 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 धीरे। देखिए दोस्तों ये बूंद बूंद करने लग गया है। अभी पहले ये इसकी धार कंटिन्यूस चालू थी, लेकिन अभी ये बूंद बूंद गल रहा है। तो इसको हम और थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे। एक दोस्तों अभी हल्का इसका बंद हो गया है पूरा सा लीकेज। अभी हम इसको थोड़ा हल्का टाइट कर देंगे और, ताकि ये पूरा लीकेज बंद हो जाए। देखिए दोस्तों ये पूरा लीकेज अब बंद हो चुका है। अभी देखो हमने इसको ऑन किया इधर से, अभी ऑफ किया, ये बंद हो गया। ये फिर से ऑन करेंगे, ये देखिए पानी आना शुरू हुआ। अभी हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये वापस से पानी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो गया। देखो अभी ये काम सक्सेस हो गया। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल प्लम्बिंग आइडियाज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों प्लम्बिंग के ताल्लुक से मैं जो भी वीडियोस होते हैं आसान जो हम घर पर कर सकते हैं, ऐसे वीडियोस में बनाते रहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अगले नए टॉपिक के साथ। दोस्तों लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लम्बिंग आइडियाज़। थैंक यू।